बोल सकते बैठी बापू नारे तक में नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 10 दिन होने के बाद भी देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जितने भी अभी ये भाईचारा संगठन देख रहे हैं, एक्चुअली ये संगठन के जरिए आज एक विशाल गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जो पूजा शुरू हुई थी उसको 10 दिन मनाए हुए आज ये लोगों को आप देखेंगे। और ये हिंदू मुस्लिम संगठन के जरिए एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देवली विधानसभा 47 से लक्ष्मी नारायण गरवा जी और साथ में वरिष्ठ समाज से भी यहाँ पर नईम भाई मौजूद है। इन दोनों के साझा प्रयास और ये जो युवा जितने सभी युवा देख रहे हैं सभी युवाओं के जरिए अथक प्रयासों के जरिए आज ये पूजा पंडाल में पूजा भी की जा रही है। और किस प्रकार से इस बड़े स्तर की प्लानिंग रही है और एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, लक्ष्मी जी से शुरू करते हैं। सर कैसे मन में आया विचार और इतने बड़े एक पूजा पंडाल को आपने प्रस्तुत किया भाईचारा बनाकर के 10 दिन आपने काटा? बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब आपके चैनल का भी। और पहले तो मैं इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, पूरे हिंदू मुस्लिम संगठन का, जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। तो पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ये भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ये मिसाल है, आप देवली विधानसभा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल जाएगी पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर कि एक भाई हिंदू है एक मुसलमान है। तो भाई हिंदू मुसलमान कोई कौम या कोई समाज वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिर्फ एक एकता है। और जैसे कहते हैं ना कि रंग लाल होता है खून का, तो किसी को अगर आवश्यकता पड़ती है भाई कि मुझे खून चाहिए तो उस टाइम जाति धर्म नहीं देखा जाता, उस टाइम सिर्फ भाईचारा देखा जाता है। तो आज उसी भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए इन सभी लोगों ने सभी ने मेहनत करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की और वो आपके सामने आप देख रहे हैं कितना भव्य पंडाल लगाया है और खूब बच्चों ने खूब खर्चा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इस खर्चे के लिए देख सकते हैं हमारे जितने भाई बंधु हैं सभी लोग। अब मैं आपको फोटो में जितने भी तस्वीरों में जो भाई दिखाई दे रहे हैं आप किसी को भी नहीं पहचान पाएंगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि ये भाईचारा हिंदू मुसलमान संगठन के तहत ये काम हुआ है। नहीं भाई से पूछते हैं, मुसलमान समुदाय से जरूर आते हैं मगर लक्ष्मी नारायण गरवा जी के साथ मिल करके आज आपने एक दिल्ली स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कैसे प्लानिंग हुई, बच्चों का कैसे साथ रहा, किस तरीके से कर पाएंगे? सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। और असल में क्या, सुबह हमारी ईद उल मिलाद थी, जो हमारा त्योहार था सुबह टाइम, वो भी हम सारे भाइयों ने मिलकर मनाया। उसमें ना ये देखा गया कोई हिंदू या मुसलमान, सारों ने मिलकर बड़े सहयोग करके एक साथ में वो तो अच्छी तरह जुलूस निकाला। और ऐसे ही आज का जो भी ये पूजा का कार्यक्रम है इसमें भी हमारे सारे भाई जितने भी हैं, मेरे इसमें बहुत सारे छोटे बड़े भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं, सारे सहयोग करके जो भी है हिंदू और मुसलमान की एक मिसाल कायम करने चाहते हैं कि ये मिसाल जो है जो आज यहाँ तिगड़ी में तिगड़ी जे कैंप्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाइए पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर बड़ा मतभेद रहता है, आज हम उसको खत्म करने के लिए ये मिसाल कायम की है। क्योंकि जिस तरह हमारे सबने भाइयों ने मिलकर इसका सहयोग करा है बड़ी बहुत अच्छी तरह, और कल का भी प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरह इसको निकालेंगे। हमारे बीच में सुरेंद्र भाई है, बाकी ये बताएंगे जी। अभी सांसद रामवीर सिंह विदुर जी के सुपुत्र सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है और सुरेंद्र जी को आज इस मंच पर दोनों भाइयों ने हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की ओर से निमंत्रण किया था और ससन्मानित और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आए हैं और उदाहरण देखे। सर क्या लगा और क्या कहेंगे, आपने पहले कभी ऐसा देखा दिल्ली में? पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ गणेश चतुर्थी की, ईद की भी। मुझे तो यहाँ आके पता चला जी, मुझे तो आना था गणेश उत्सव में जी, मुझे तो लक्ष्मी जी ने बताया भी नहीं, पर लेकिन जो भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे दिल से खुशी हो रही है कि जिस तरीके के दोनों चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है दोनों भाई मिलकर त्योहारों को मना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मिसाल है। मैं लक्ष्मी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नहीं भाई आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरीके से पूरे देश के अंदर ये प्यार ये भाईचारा बना रहे और अपने देश को हम हिंदुस्तान को नंबर वन बनाए। आप सबको बहुत बधाई, जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया। और गोयल जी सीनियर है, गोयल जी आपको क्या लगा देवली विधानसभा से, आप काफी वर्षों से राजनीति से जुड़े हैं, इस उदाहरण के ऊपर क्या बोलेंगे?
मैं तो जब मुझको ये पता चला कि तिगरी के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठन मिलकर के गणेश उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, ईद का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अपार खुशी के साथ साथ मुझको याद आई अपने अमरोहा की। अमरोहा मेरी ननसाल है और हिंदुस्तान के अंदर अमरोहा एक ऐसा शहर है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता एक मिसाल के तौर पर है। वहाँ पर जब हमारी रामनवमी के जलूस निकलते हैं तो मुस्लिम भाई हमारे आगे आगे चल करके उसको निकलवाते हैं, और जब मुहर्रम निकलते हैं तो हिंदू भाई आगे चल के निकलवाते हैं, और ये एक वो मिसाल जो अमरोहा में है वो आज यहाँ देखने मिली। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ये मिसाल है कि अमरोहा में कभी भी हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हुए, बाकी कहीं भी होते रहे, और आज वो मिसाल तिगरी वालों ने कायम करी है। इसके लिए पूरे तिगरी वालों को, हिंदू मुस्लिम समाज के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, मतलब दिल से बधाई, दिल से बहुत बहुत बधाई। गोयल साहब के बाद थोड़ा सा अगर सुरेंद्र भाई आए, कैसा लगा ये तो बताओ? सुरेंद्र भाई आए, बहुत अच्छा लगा। मैं हमारे बीच सुरेंद्र भाई आए और गोयल साहब, लक्ष्मी जी सब आए, बहुत अच्छी तरीके से रहता है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, मिलजुल के सारे त्यौहार बनाएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। और हमारे कुछ भाई है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी ने मिलकर के, हिंदू मुस्लिम ने सबने मिलकर के, सुबह मुस्लिम का त्यौहार था, हिंदू त्यौहार है, तो सभी ने मिलकर के बड़ा अच्छा मनाया और हमेशा साथ में मनाएंगे और सभी खुशी खुशी के साथ में मनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आगे और भी बोलना चाहूँगा, बोलना चाहेंगे आप? भाईचारा जो भी बहुत अच्छा लगा है, और ये हर जगह होना चाहिए और ये पूरे देश में होना चाहिए। बिल्कुल देश में होना चाहिए, देश में भाईचारा का प्रतीक देखते हुए यहाँ पर देवली विधानसभा से एक जबरदस्त मैसेज है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम संगठन की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है।